तो आज हम बनाना सीखेंगे मोल्डिंग को दीवार पर कैसे लगाया जाता है। आइए देखते हैं, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, 45 डिग्री से। फिर चारों कोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसको घिस कर सही करना पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा मिलना चाहिए। हमने इसको मिला लिया है, अब हम इसको फेविकोल या विट्रो की मदद से चिपका लेंगे। 5 मिनट सुखाने के लिए रखेंगे। फिर जब ये अच्छे से चिपक जाएगा, ऐसे चारों कोनों को ऐसे चिपका लेना है जो भी आपका साइज़ हो। साइज़ होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये लगेगा इसके अंदर। बड़ी हम पहले लगा चुके हैं, फिर हम इसको फेविकोल या चारों तरफ हम इस पर सिलिकॉन लगा देंगे। फिर जो भी हमारा नाप होगा उसको वहाँ पकड़ के अच्छे से दबा के मिला के इसको दबाएंगे। अच्छे से दबाने के बाद हम इसका एक बार फिर से नाप ले लेंगे। फिर फेविकॉल, विट्रो या जो भी चिपकाने की चीज़ उससे हल्का हल्का चार ही कोने पर लगा देंगे। और चार ही कोनों पर लगाने के बाद 5 मिनट हम उसको दबा कर रखेंगे, जिससे कि उसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और हम ये माल ऐसे रेडी करते हैं, कुछ इस तरह से लगेगी ये लगने के बाद। ये कलर चाहे आप जैसा भी करा सकते हैं अपनी दीवार पर।